तो दोस्तों आईपीएल 2023 का अगला महामुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। क्वालिफायर वन 70 मुकाबले खत्म करने के बाद हमें 4 क्वालिफायर मिल जाते हैं। गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स साथ दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम मिल जाती है। आखिरी मुकाबला खेला गया था गुजरात आरसीबी के बीच में, गुजरात ने जीत कर आरसीबी को पार कर दिया है और मुंबई इंडियंस कर चुकी है चौथी टीम क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफायर वन खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों गुजरात टाइटंस पिछली बार की चैंपियन है और पिछले साल ही जुड़ी थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार की चैंपियन है, 2 तगड़ी टीम है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या दोस्तों मतलब दो जबरदस्त कप्तानों के बीच में हार्दिक पांड्या शिष्य हैं दोस्तों। वह खुद कहते हैं कि मैं शिष्य हूँ महेंद्र सिंह धोनी का, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उनके साथ होगा मुकाबला दोस्तों गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों क्वालिफायर वन। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मैच डेट, मैच नंबर, मैच टाइमिंग, स्टेडियम के स्टैट्स, कौन सा होगा वेन्यू, मतलब उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग भी नहीं प्रोवाल्टी बाई गूगल है, उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग जानेंगे हेड टू हेड प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, और उसके साथ दोस्तों लास्ट 3 मैचेस क्या कुछ कर करा रहे हैं आखिरी 3 मैचों में, और उसके साथ हम लोग मोस्ट रन किसने बनाए दोस्तों, मोस्ट विकेट किसने ली, सब कुछ जान लेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग भी हो क्रिकेट से फैन, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन, गुजरात के फैन, आईपीएल के फैन, जरूर से हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैच डेट होने वाली है 22 मई 2023 की दोस्तों, 22 मई 2023 को यह महामुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। अगर मैच नंबर की बात करें तो यह 71वां मुकाबला होगा, क्वालिफायर वन 71वां मुकाबला होगा, उसके बाद क्वालिफायर टू एलिमिनेटर, और उसके साथ साथ दोस्तों हमें फाइनल देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें मैच नंबर तो 71वां, और अगर टाइमिंग की बात करें तो शाम 7:30 से इसकी पहली गेंद फेंकी जाएगी दोस्तों। अगर बात करें गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि 51% जीत सकती है दोस्तों गुजरात टाइटंस, तो 49% चेन्नई सुपर किंग्स, मतलब गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है। और हो भी क्यों ना, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर कि क्यों है पलड़ा गुजरात टाइटंस का भारी। अगर आप लोग हैं चेन्नई सुपर किंग्स के फैन तो वीडियो को लाइक करके या फिर और फिर पोज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा क्यों है भारी, बट मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस का है पलड़ा भारी दोस्तों। मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी कहती है 51% जीटी और 49% सीएसके दोस्तों, आगे रीजन भी बताऊंगा। अगर बात करें स्टेडियम की तो चेपॉक स्टेडियम के अंदर जो कि जिसका नाम दोस्तों चिदंबरम है स्टेडियम है, एम चिदंबरम स्टेडियम के अंदर चेन्नई के अंदर मुकाबला होगा। चेन्नई का होम ग्राउंड है ये दोस्तों, और दोस्तों हमें एक सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है यहाँ से कि धोनी अपना आखिरी मुकाबला खेल ले यहाँ से, धोनी संन्यास ले लें, क्योंकि धोनी ने कहा था कि वह आईपीएल में अपना जो संन्यास है वह चेपॉक के चेन्नई के स्टेडियम पर लेना चाहते हैं, और यह है उनका ये आईपीएल 2023 का आखिरी मुकाबला जो चेन्नई में खेला जाएगा दोस्तों। क्या हमें यह संकेत तो नहीं मिलता कि क्वालिफायर वन में महेंद्र सिंह धोनी ले लेंगे संन्यास, आपको क्या लगता है वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दो। अगर स्टेडियम के स्टैट देखें चेपॉक के दोस्तों, अभी तक कुल आईपीएल के यहाँ पर 70 मुकाबले खेले गए हैं टी20 के और आईपीएल के, उसके बाद अगर टीम में पहले बल्लेबाजी करती है तो 44 बार, और अगर चेज करती है तो 26 बार विजय प्राप्त तो होती है दोस्तों। मतलब बहुत अच्छी टीम में का मैच होने वाला, बहुत अच्छे वेन्यू पर होने वाला बहुत तगड़ा मुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हम लोग हेड टू हेड की, गुजरात टाइटंस पिछली बार ही आईपीएल के अंदर जुड़ी है, पिछली बार इनके 2 मुकाबले हुए थे, दोनों मुकाबलों में गुजरात ने जीत प्राप्त की थी, और इस सीजन जो मुकाबला होता उसके अंदर भी दोस्तों गुजरात ने विजय प्राप्त की थी। मतलब 3 मैच हुए हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के, और तीनों जीते हैं गुजरात टाइटंस ने, इसलिए 51% जा रहा है यहाँ से गुजरात टाइटंस को और 49% चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को दोस्तों। यही तो वह सॉलिड रीजन है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों हम लोग प्लेइंग 11 की, सबसे पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में दोस्तों ओपनर के 2 जबरदस्त ओपनर आ जाते हैं, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल, 2 जबरदस्त ओपनर है। साहा और ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और शुभमन गिल के 50 रन दूर है, 51 रन बनाते ही दोस्तों ऑरेंज कैप इनके हाथ चढ़ जाएगी 100% मेरे हिसाब से। तो अगर बात करें दोस्तों उसके बाद वन डाउन पे विजय शंकर आ सकते हैं, उसके बाद दोस्तों दर्शन सरका, उसके बाद दोस्तों डेविड मिलर, पिछले मुकाबले में हार्दिक पांड्या को विश्राम दिया गया था, तो विजय शंकर या फिर दर्शन सरका की जगह हमें देखने को मिलेंगे विराट, हार्दिक पांड्या दोस्तों।
हार्दिक पंड्या तो खेलेंगे ही, वह कप्तान है दोस्तों। पिछले मुकाबले में बेशक वह ना खेले हों, बट मेरे हिसाब से दसम सन का या फिर विजय शंकर की जगह हार्दिक पंड्या आ जाएंगे। और अगर बात करें फिर डेविड मिलर आ जाते हैं दोस्तों, राहुल तेवतिया भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं दोस्तों, राशिद खान आ जाते हैं। पिछले मुकाबले में हार्दिक पंड्या खेले तो थे, माफ़ कीजिए, बट दोस्तों उनकी दिक्कत वह नीचे आए थे, उन्होंने विजय शंकर को ऊपर भेजा, दर्शन शंकर को ऊपर भेजा दोस्तों, और खुद नीचे आए थे दोस्तों। यही टीम होने वाली है दोस्तों जो मैं पूरे 12 प्लेयर बताए हैं दोस्तों हम लोगों ने। रिद्धिमा शाह, सुमन गिल, विजय शंकर, दर्शन शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, हार्दिक पंड्या, राशिद खान, उसके बाद नूर अहमद ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी आखिरी मुकाबले में, उनकी जगह कोई बड़ा प्लेयर भी ला सकती है टीम। उसके बाद मोहम्मद शमी के साथ दोस्तों हमें मिल सकते हैं मोहित शर्मा और यश दयाल दोस्तों, ये इनके कुछ प्लेयर रहने वाले हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? ये 12 प्लेयर हैं, एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अंदर बाहर होते रहते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के दो जबरदस्त ओपनर ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे होने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पिछले मुकाबले में अर्धशतक, और डेवन कॉनवे भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वन डाउन पे आ जाते हैं शिवम दुबे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आईपीएल 2023 में। एम एस धोनी ऊपर आ सकते हैं, आपको क्वालिफायर का मुकाबला है तो थोड़ा अपने आप को बैक करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो उसका फायदा उठाएंगे। रविंद्र जडेजा ऊपर आ सकते हैं दोस्तों, अजिंक्य राणे, मोइन अली, अंबाती रायडू को नीचे भेज सकती है दोस्तों, इसलिए अंबाती रायडू को हम लोगों ने रखा है 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे। उसके बाद दीपक चहर आ जाते हैं, दीपक चहर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तुषार देश पांडे ने प्रभावित किया है और वह खेलने वाले हैं 100%। उसके बाद तीक्ष्णा और उसके साथ साथ दोस्तों पथीर राणा, ये दो स्पिनर रहने वाले हैं, मतलब जिनके भी 12 प्लेयर हम लोगों ने गिना दिए, इनमें से अंदर बारे पैपड़े के रूप में होते रहते हैं। अगर लास्ट 3 मैचेस का रिकॉर्ड देखें दोनों टीमों का, तो पिछला मुकाबला 2 जीत कर आ रही है गुजरात टाइटंस, और उससे पहले हार कह रही है, मतलब पिछले 3 मुकाबले में 2 जीत हैं और 1 हार है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो पिछले 3 मुकाबले में 2 जीत हैं और 1 हार है, मतलब बराबर पे आ जाते हैं लास्ट 3 मैचेस में, 2 मुकाबले और 1 हार कर और 2 जीत कर आ रही हैं। मोस्ट रन की बात करें गुजरात टाइटंस की, उसमें आ जाते हैं दोस्तों सुमन गिल 680 रन, और मोस्ट विकेट देखें दोस्तों हम लोग गुजरात टाइटंस के, तो उसमें आ जाते हैं मोहम्मद शमी 24 विकेट, जो कि और पर्पल कैप में टॉप पर हैं। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं दोस्तों डेवन कॉनवे ने 585, तो दोस्तों 20 विकेट लेकर के तुषार देशपांडे मोस्ट विकेट पर आ जाते हैं दोस्तों। ये था फुल मैच का प्रीव्यू दोस्तों, आपके हिसाब से क्वालिफायर 1 कौन जीत कर डायरेक्ट फाइनल में जाएगी और कौन एलिमिनेटर की विजेता से खेलेगी, हार कर यह मुकाबला दोस्तों। वीडियो में एंड तक आए हैं तो जरूर से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अपने क्रिकेट फैन से जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, न्यूज, उसके साथ साथ हम लोग मैचेस का प्रीव्यू करते रहते हैं एवरी मैच का दोस्तों। आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं 100% आपका रिस्पॉन्ड करूंगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।